बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सैम्स माइंड। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं आपको कुंदे पल्ले वाली शलवार की कटिंग सिखाऊंगी। तो ये पूरे सूट का कपड़ा है मेरे पास, आप कमीज़ के निशानात लगाकर बाकी कपड़े की शलवार कट करेंगे। तो इसके लिए मेरे पास शलवार की लेंथ है 37 इंचेस। तो सबसे पहले हम पल्ले के लिए कपड़ा उतार लेंगे। 37 में 2 इंच हम नेफे के लिए ऐड करेंगे, तो 39 इंच पर निशान लगाएँगे। तो कपड़े को सीधा काटने का तरीका ये है कि इसको किनारों से पकड़ के बिल्कुल सीधा करें और कट कर लें, तो ये बग़ैर तिरछेपन के बिल्कुल सीधा कपड़ा काटा जाएगा। पल्ले का कपड़ा हमने काट लिया है, अब इसी के बराबर हम कुंदे के कपड़े पे निशान लगाएंगे 39 इंचेस पे, लेकिन यहाँ से कट नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर आसन का पीस हम अलहदा से रखेंगे। और यहाँ हम 17 इंचेस आसन लेंगे और 2 इंच लेंगे यहाँ से हम कुंदे की सेटिंग के लिए, और 2 इंच लेंगे नेफे के लिए, तो टोटल ये हमारा 21 इंचेस हो जाएगा, यानी कि हम पल्ले से 21 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे। अब हम पल्ले की चौड़ाई कट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम कन्नी उतार लेंगे। और हमारे पास शलवार की चौड़ाई है 21 इंच, तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 7 इंच आएगा, यानी कि 7 इंच हमारा पल्ला होगा और 14 इंचेस जो हैं वो हमारे कुंदे होंगे। तो ये टोटल बन जाएगा 21 इंच। पहले कन्नी को काटा और फिर 17 इंच पे निशान लगाया और 1/2 इंच सिलाई के लिए एक्स्ट्रा रखा। अब इसको डबल किया तो ये हमारा एक पल्ला हो जाएगा, और इसको मज़ीद डबल करेंगे तो ये दोनों पल्लों की चौड़ाई हमारी आ जाएगी। यहाँ से इजाफी कपड़ा काट देंगे तो ये दोनों पल्ले हमारे तैयार हो चुके हैं। अब कुंदे कटिंग करने के लिए 39 इंचेस पे हमने पहले निशान लगाया हुआ है और इसकी चौड़ाई रखनी है 14 इंचेस, वो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसको सिंगल किया, इसको किनारी इसकी किनारी उतारी, फोर्टीन इंचेस पे निशान लगाया और 1/2 इंच सिलाई के लिए ज़रूर रखना है। अब इसको डबल करेंगे तो ये 2 कुंदे बन जाएंगे। यहाँ से इसको हम सीधा काट लेंगे, ये हमें डबल कपड़ा ही चाहिए। तो अब यहाँ ध्यान से देखने वाली बात यह है कि 39 इंचेस पे जो हमने निशान लगाया था उसको 2 इंच लंबा खींच लेंगे, और जिस साइड से हमने पहले निशान लगाया है उसकी मुखालिफ साइड पे हम दूसरी तरफ से 21 इंच पे निशान लगाएंगे, क्योंकि हमारा ऊपर वाला कपड़ा 21 इंच है जो आसन के लिए है और नेफे के लिए है। ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि एक साइड पे एक निशान लगना है और दूसरा निशान उसकी मुखालिफ साइड पे लगना है। अब इन दोनों निशानों को हम मिला लेंगे,
तो इस तरह कुछ आपका भी आना चाहिए। अब इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे कुंदे बन जाएंगे चार, दो कुंदे ये हैं और दो कुंदे ये हैं। इनको ऊपर नीचे रखेंगे और यहाँ से 2 इंच पे निशान लगाते हुए इसकी कटिंग बिल्कुल सीधी करेंगे। आपको समझ आ गई होगी कि ये 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने यहाँ से क्यों रखा था। अब बंद साइड को कट कर लेंगे तो ये चारों कुंदे हमारे कटिंग हो चुके हैं। शलवार की कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी मुकम्मल स्टिचिंग आपको सिखाई जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बरवक्त मिल सके। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।